नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। दोस्तों, मैं मुस्कान मिश्रा आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूपी लाइव 100 न्यूज चैनल पर। रुक करते हैं खबरों की तरफ। भारत संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 64वें परिनिर्वाण पर आयोजित श्रद्धांजलि श्रावस्ती जनपद में ग्राम सभा सहनिया मजरा कोडरी के अंबेडकर पार्क में बैठक संपन्न की गई। बैठक में उपस्थित सभी लोगों को बताया गया कि आज के दिन भारत संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 64वें परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। हम संत कुमार प्रवस्थी। कार्यक्रम आज 6 दिसंबर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर बाबा साहब के विचार की गोष्ठी हुई है और बाबा साहब ने जो संदेश दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम अपने समाज के लिए संघर्ष करते हुए बाबा साहब के विचार को आगे बढ़ाते हुए और संविधान की रक्षा का संकल्प लेते हैं। मेरा नाम श्यामलाल गौतम है। मैं आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूँ और मेरा इस समय स्थानांतरण जनपद बाराबंकी के लिए हो गया है। आज सभी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि आज इस संविधान शिल्पी बाबा साहब अंबेडकर का 64वां महापरिनिर्वाण दिवस है। आज इस ग्राम सहनिया में जो बड़े पैमाने पर बाबा साहब के अनुयायी और भगवान बुद्ध के अनुयायी महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजक मंडल द्वारा आयोजन किया गया है, उसमें हम सब उपस्थित हुए हैं। आज के इस अवसर पर हम ये शपथ लेंगे कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर हम अपनी आगे की पीढ़ी, आगे आने वाली पीढ़ी को अग्रसर करें, नए समाज का निर्माण करें, समाज से में व्यापी विभिन्न कुरीतियों को दूर करें, जिससे हमारे समाज का नव निर्माण हो सके और इस देश में अहम भूमिका हमारा समाज निभा सके। मोहम्मद भाई पंजोजक, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति। आज 6 दिसंबर है। आज पूरा देश नहीं, पूरा विश्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महा परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने का जो मिशन है, उनके जो अनुयायी हैं, आज ये संकल्प लेंगे कि बाबा साहब ने जो हमें संदेश दिया है, संविधान दिया है, उस पर हम लोग चल करके हमारी भावी पीढ़ी संघर्ष करके हर तरह से जो बाबा साहब का संदेश है उसे हम जन मानस तक पहुंचा करके और अपने जीवन को सही सांचे में ढालने का काम करेंगे। बहुजन समाज की जो महापुरुष हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सिद्धांत है, उन्हीं सिद्धांतों के ऊपर चल करके हमारे लोग या बाबा साहब के अनुयायी ये चाहेंगे कि हमारा देश आगे अग्रसर हो।